सवेरा महनूर महनूर जी खाला भाई कब केक कटेगा कब खाना होगा एक तो तुम लोगों में ये बहुत बुरी आदत है सारी सारी रात लगा देते हो खाला बस सब कुछ रेडी है सिवाय सवेरा के ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही है उसका इंतजार कब आएगी वो शहजादी तैयार हो रही है और तुम्हारा सरोज कहाँ है वो बाहर बैठा मोबाइल पे गेम खेल रहा होगा है तो बुलाओ ना उसको सरोज सरोज बेटा बेटा अंदर आओ केक काटने वाले हैं केक कौन काटेगा अरे सवेरा की सालगिरह है तो वही काटेगी ना तो वो तो ऊपर पड़ रही है और वो तैयार भी नहीं हुई महनूर खाला मैं देख कर आती अरे महनूर रुको तुम मत जाओ हो सकता है किसी बात पे उसका मूड खराब हो और तुमसे ही हुआ हो सरोज तुम जाओ से मना कर लेकर आओ ना बाबा ना मैं नहीं जा रहा वो बहुत नकचढ़ी है मैं बात नहीं करता ना बेटा ऐसे नहीं कहते तुम्हारी कजन है ना जाओ लेकर आओ उसे जाओ 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 शाबाश उसे को जल्दी से आए केक काटना है नकचढ़ी है अरे देखो तो केक ये देखे खाला केक देखे केक तो बहुत अच्छा है चलो आ जाए तो फिर केक भी काटेंगे सवेरा तुम यहाँ बैठी हो सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं तैयार भी नहीं हुई क्या किस बात का इंतजार कर रहे हैं मैंने मम्मा को मना कर दिया था किस बात के लिए मना कर दिया था मुझे नहीं सेलिब्रेट करनी है बर्थडे बर्थडे मगर अब तो सारा इंतजाम हो गया सब लोग आ गए तुम्हारे स्कूल के दोस्त भी आ गए दोस्त चलो भाई नीचे चलो और तुम किस बात से नाराज हो नहीं मैं किसी बात पे नाराज नहीं हूँ अब क्या मुझसे भी नाराज हो नहीं मैंने कहा ना मैं किसी बात पे नाराज नहीं हूँ आप जाए ना मैं आती हूँ अच्छा जाके कह दूंगा सवेरा 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 बेटा बहुत रात हो गई है बस कर दो मामा आप जाएं मैं आती हूँ बेटा सुबह तुमने यूनिवर्सिटी और मैंने स्कूल जाना है जल्दी से काम करो और ऊपर आ जाओ